मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तराखंड में रह रहे पंजाबी समाज के लोगों ने लोहड़ी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। आपको बता दें कि लोहड़ी पंजाब का प्रमुख त्योहार है, जिसे वहां का समाज बड़े ही शानदार और बेहतरीन ढंग से मनाता है। नेहरू कॉलोनी में मनाया गया लोहड़ी का त्योहार देखने के लिए न सिर्फ पंजाबी बल्कि उत्तराखंडियों ने भी अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रायपुर विधायक उमेश काउ ने अपनी उपस्थिति दी। आपको यह भी बता दें कि जैसा उत्तराखंड में मशहूर त्योहार मकरणी और उत्तरायणी मनाया जाता है, उसी तरह पंजाबियों का लोहड़ी खास त्योहार है। इस दिन पंजाबी लोग भंगड़े के साथ डांस करते हैं। लोहड़ी का दिन पंजाब में खुशी का दिन माना जाता है। इस दिन सभी लोग अपनी फसल की कटाई शुरू करते हैं। लोहड़ी के पीछे दुल्ला भाटी की एक मशहूर कहानी है। ऐसा एक गरीब परिवार की लड़की थी, एक दुल्ला था, उसने ये लड़की की शादी कराई थी। उसने उस खुशी में हम नाते हैं, सुंदर मुंदरी हो तेरा कौन जरा दुल्ला पट्टी वाला। लोहड़ी को लेकर बच्चों और बुजुर्गों में भी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान डीजे और भंगड़े पर विधायक उमेश काउ भी डांस करते नजर आए। सबको मिल कर खुशियों के साथ इसको खुशी के साथ मनाने का त्यौहार है, तो वही हम उत्तराखंड में भी इसको सब लोग सारे समुदाय मिलकर सारे समाज मिलकर इसको आगे करने के लिए हम प्रयास करें। फसल को काटने के उपलक्ष्य में एक खुशी मनाई जाती है, उसी के पर्व में लोहड़ी मनाई जाती है। हम अभी लोहड़ी का कर रहे हैं, आगे बैसाखी का करेंगे, फिर होली का करेंगे, फिर दिवाली का करें, ऐसे करते रहेंगे हम इसको। एक भाईचारा और एक मतलब कि सबको पता चलना चाहिए कि लोहड़ी भी क्या हो, कैसे मनाई जाती है और कैसे होती है। अच्छा त्योहार है लोहड़ी, बड़ी खुशी से मनाते हैं। संवाद 365 के लिए श्रवण सेमल की खास रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।